नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 सितंबर 2023। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आइडिया पेज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आउटर स्पेस एज ए ग्लोबल कॉमन, ये आर्टिकल रहेगा। ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या होता है, आउटर स्पेस से रिलेटेड क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, उससे बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा फोकस रहेगा G20 से रिलेटेड। एक आर्टिकल रहने वाला है कि कैसे हम हमारी अर्बन प्लानिंग को क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में इश्यूज हैं, इन्हीं को देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आर्टिकल है लिफ्ट ऑफ एंड द लॉ। देखते हैं क्या है आर्टिकल। रंजना कॉल जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। बोली ये जो साल है 2023 का, ये बहुत ही एक्साइटिंग रहा है अगर हम आउटर स्पेस एक्सेसिबिलिटी या आउटर स्पेस में इंडिया के स्टैंड की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, इंडिया ने यूएसए के साथ में आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया, जो कि एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी होती है नासा और बाकी दूसरी काउंटर पार्ट्स होते हैं वो, जिनमें इंडिया की तरफ से भी साइन हो चुका है इसको, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि जो आउटर स्पेस है, ठीक है, प्लेनेट अर्थ के अलावा जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बाहर का जो एरिया है सारा, उनको एक्सप्लोर करने से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है। बेसिकली इस एग्रीमेंट में आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, जिसमें ये एग्रीमेंट था कि भाई आउटर स्पेस जो है वो कॉमन सोर्स की तरह देखा जाएगा, प्लस आउटर स्पेस पे किसी भी एक कंट्री की अपनी खुद की सॉवरेनिटी नहीं होगी, उसको एक्सेस करने का अधिकार सभी कंट्रीज़ का होगा, इस तरीके की एग्रीमेंट है। और ये भी है आउटर स्पेस ट्रीटी का कि कोई भी एक तरीके से मिलिटराइज नहीं करेगा, ठीक है, अपनी मतलब एग्रेशन के चपेट में नहीं लेगा आउटर स्पेस को, इस तरीके का एग्रीमेंट है ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है इस साल जो हुआ है वो ये कि यूएस और इंडिया के बीच में एंगेजमेंट बढ़ रही है, और आईसेट जैसे एग्रीमेंट्स जिसमें इंडिया और यूएसए की सिविल स्पेस एंड कॉमर्शियल स्पेस वर्किंग ग्रुप्स हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसके तहत आउटर स्पेस को और अच्छे से एक्सप्लोर करने पे काम किया जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट आपको पता है, चंद्रयान 3 की स्मूथ लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग मून के सदर्न पोल पे। तो कुल मिलाकर के ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि इंडिया को आउटर स्पेस एक्सेस में एक कदम आगे ले जा चुके हैं। एक कदम तो क्या, तीन कदम हो गए वैसे बेसिकली। अब सवाल ये आता है कि आउटर स्पेस क्या एक ग्लोबल कॉमन है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या है। देखो, अगर हम ग्लोबल कॉमन की बात करें तो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करें जिनका जो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के अंडर में नहीं आते, किसी भी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल कॉमन हो गए। जैसे हाई सीज, आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस है कोस्टल बेस लाइन से, वहाँ तक का एरिया उसको अगर छोड़ दें तो उसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हाई सीज बोला जाता है, ठीक है। तो वो हाई सीज वाला जो एरिया है वो भी ग्लोबल कॉमन है, एटमॉस्फियर है ये भी ग्लोबल कॉमन है, अंटार्कटिका है ये भी ग्लोबल कॉमन है, और आउटर स्पेस है ये भी ग्लोबल कॉमन है। इसका मतलब इन चारों पर किसी का भी एक कंट्री का अधिकार नहीं है, और ये चीज़ यूएन में आइडेंटिफाइड है। कहने का मतलब इन सब को कंबाइंडली ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये गॉर्टियस ने अपनी तरफ से आइडिया दिया था, मारे लिबेरियम, दैट मीन्स फ्री सी। तो इसी चीज़ को एक्सपेंड करते हुए इन चार चीज़ों को यूएन के द्वारा रिकग्नाइज किया हुआ है कि ये ग्लोबल कॉमन है, इन चारों पर किसी एक कंट्री की पकड़ नहीं हो सकती, इनकी एक्सेसिबिलिटी सभी कंट्रीज़ के लिए बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये हमें समझना था कि ग्लोबल कॉमन क्या है, ग्लोबल कॉमन में क्या आउटर स्पेस इंक्लूड होता है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि क्या आउटर स्पेस को, या जो हम ग्लोबल कॉमन्स की हम बात कर रहे हैं, अगर अम्ब्रेला टर्म की बात करें तो ग्लोबल कॉमन की हम बात कर लेते हैं, फिर आउटर स्पेस पे वापस आ जाएंगे। ग्लोबल कॉमन्स को किस तरीके से देखा जाता है भाई? एक तो ये होता है कि हाँ जी सबका है सबका है, ये कह के पावरफुल देश हैं वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उन ग्लोबल कॉमन्स का, और जो कमज़ोर देश हैं उनको बेचारों को आवाज़ ही नहीं उठाने देते। और एक ये तरीका है कि अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल कॉमन्स का नाम ले लेकर के काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से
राइटर हैं वो दो अप्रोच बता रही हैं कि ग्लोबल कॉमन्स को समझने के लिए दो अप्रोचेज हैं जनरली देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में कोई अथॉरिटेटिव डेफिनेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है ग्लोबल कॉमन्स की, तो बोले दो तरीके से आप देख सकते हो। पहला तरीका है ग्लोबल कॉमन्स को देखने का जिसमें आप जियोपॉलिटिकल या मिलिट्री रिलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और उसको कहते हो इनेबलिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने खुद के नेशन की वेलफेयर के लिए आप आउटर्स ये जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको यूज़ करते हो अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिससे कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है जिसको एक तरीके से इनेबलिंग प्रोविज़न बोला जाता है कि हाँ जी हमने मान लिया कि ये ग्लोबल कॉमन है बट इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। चाहे फिर वो एयर स्पेस यूज़ करने की बात करो, एटमॉस्फेयर की बात हमने कर ली, चाहे हाई सीज की बात कर लो या फिर आउटर स्पेस की हम अभी बात कर ही रहे हैं, जहाँ पर सभी कंट्रीज़ या जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको फॉलो करते जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ जी हम इंटरनेशनल लॉज को मानते हैं बट वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम में लेंगे। कहने का मतलब ये कि ओपन जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमी के लिए यूज़ करना, एक तो ये अप्रोच होती है ग्लोबल कॉमन्स के लिए जिसको इनेबलिंग अप्रोच बोली है, और दूसरा अप्रोच बताया है ग्लोबल कॉमन्स के लिए दैट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स लिमिटेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज ज़्यादा एडवांस्ड हैं वो क्या करेंगे, उन ग्लोबल कॉमन्स को पहले यूज़ कर लेंगे। इवन कई बार दूसरे जो कमज़ोर देश हैं उनके उनका जो हिस्सा बनता है ग्लोबल कॉमन्स में उसको भी वो यूज़ कर लेंगे। कहने का मतलब एक तरीके से एग्रेसिव अप्रोच के साथ में काम करेंगे। तो बोला इसमें क्या हो जाता है, बाकी दूसरे कंट्रीज़ को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने हाथ भी खोल सकें। तो एक तरीका तो क्या हो गया नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के, और दूसरा तरीका हो गया अपनी डेवलपमेंट का नाम लेकर के। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों अप्रोचेस के हिसाब से अगर देखें ना तो आउटर स्पेस को भी इसी तरीके से कंसिडर किया जा रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा जो अभी आउटर स्पेस में अपनी पकड़ बना चुके हैं या जो अपनी कह सकते हैं अपने पाँव हैं वो रख चुके हैं। कंस्ट्रेंट वाला मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ जी आप खुद की ज़रूरतें या खुद के लिए जो ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूज़ कर लेते हो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर दूँ ना तो आउटर स्पेस की बजाय आप एक बार क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर देख लो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किस तरीके से एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दिया है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। अब परेशानियाँ कौन भुगत रहे हैं बेचारे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ग्लोबल साउथ है, वो परेशान हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जबकि क्लाइमेट चेंज करने वाले जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये कंस्ट्रेंट वाली अप्रोच हो गई। अब देखो कॉमन्स की अगर बात करें तो इनको जनरली एसोसिएट भी किया जाता है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड के साथ में भी। ये कॉन्सेप्ट मून एग्रीमेंट हुआ था 1979 में, उसमें आर्टिकल 11 क्लॉज 3 के अंडर में दिया कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, और मून को भी इसी में कंसिडर किया गया था कि मून या फिर कोई भी आउटर स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज अवेलेबल हैं प्रेजेंट हैं उनमें किसी भी नेशनल गवर्नमेंट की कोई अकेले की पकड़ नहीं होगी, इसके जो भी आउटर स्पेस में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं है ना उनमें जो भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर आपको रिसोर्सेज हैं उनको पूरी ग्लोबल कम्युनिटी या मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि कोई नेशन अपने खुद के लोगों के लिए करेगा। तो ये जो आइडिया है ये कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड का ये मून एग्रीमेंट ऑफ 1979 के अंडर आता है। अब ये जो कॉमन हेरिटेज फॉर मैनकाइंड है ये आउटर स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है। बेसिकली 1970 में यूएन जनरल असेंबली में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उस एग्रीमेंट में ये जो कॉमन ह्यूमन हेरिटेज जो बोला गया कॉमन हेरिटेज बोला गया मैनकाइंड के लिए, उसमें आप देखोगे ना तो सी बेड, ओशन फ्लोर, सब सॉइल इनको भी इंक्लूड कर दिया कि भाई ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। जहाँ पर आप देखो कि ओशनिक हाई सीज में आप जाओ, हाई सीज में आप जाकर के वहाँ पर जो पानी है वो तो है ही, वो किसी एक कंट्री का नहीं हो सकता, बाकी उसमें जो भी जो ओशन बॉटम है वहाँ पर भी जो रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे आपने मैग्नीज नोड्यूल्स का नाम सुना होगा या फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि ओशनिक बॉटम्स में मिलते हैं बिल्कुल नीचे, ठीक है, तो वो बोले किसी एक कंट्री की एग्रीमेंट अंडर में नहीं आएगी। तो ये चीज़ और क्लियर हो गई यूएन के अंडर में।
अब ये जो मून एग्रीमेंट है 1979 का, प्रोबेबली एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, यस 1979 का ये जो मून एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में इस चीज़ को कोडिफाई कर दिया गया कि हाँ जी आर्टिकल 136 जो है वो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज ऑफ 1982 का जो यूएन क्लॉज फाइनलाइज हुआ था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन ऑफ द सी, उसमें फिर मून एग्रीमेंट को इंटीग्रेट करते हुए इन प्रिंसिपल्स को कोडिफाई कर दिया गया। कहने का मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी, प्रॉपर एक एग्जाम्पल फिट कर दिए कि भाई ये तो ग्लोबल कॉमन ही कंसिडर होंगे, इनमें आप किसी भी एक कंट्री की दादागिरी नहीं चलने दोगे। जैसे आज अगर साउथ चाइना सी की चाइना बोलता है कि ये हमारी एंशंट लेक है, बोलता ना साउथ चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी को, तो बोले वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन लॉज के अकॉर्डिंग वायलेटिव है, चाइना जो है वो अपनी एग्रेशन दिखा रहा है, तभी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना की बहुत बुरी हालत हो रही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब ग्लोबल कॉमन्स की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, मून एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन ऑफ द सी, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ये सारी चीज़ें जब फाइनलाइज होगी तो ये कॉन्सेप्ट जो था ग्लोबल कॉमन्स का, ये कहीं ना कहीं मोर और लेस एक्सेप्टेबिलिटी में आता चला गया। अब आप देखोगे कि आप इन ग्लोबल कॉमन्स को एक्सेस कर सकते हो, ये तो एक तरीके का इनेबलिंग कॉन्सेप्ट है, और वहीं पर दूसरी तरफ आप डीप सी पर अवेलेबल जो भी मटेरियल है उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो खुद के बेनिफिट के लिए, वो आपका कंस्ट्रेनिंग सेंस के अंदर ग्लोबल कॉमन्स का यूटिलाइजेशन है। दैट मींस आप अपने एरिया में डीप सी माइनिंग कर रहे हो बिना बताए, ठीक है, उसमें दूसरे कंट्रीज का जो अधिकार है वो भी आप खा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है फिर कंस्ट्रेनिंग सेंस। तो कहने का मतलब इनेबलिंग सेंस और कंस्ट्रेनिंग सेंस में ग्लोबल कॉमन्स को मोर और लेस आज के समय यूटिलाइज किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि 1957 में, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई, सवाल ये है। तो देखो 1957 में जब स्पुतनिक लॉन्च हुआ था ना आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, तब यूएसए और यूएसएसआर जैसे दो ही पावरफुल कंट्री हुआ करते थे, इन्होंने फिर डिसाइड किया कि भाई कैसे भी करके हमें इस होड को, इस कंपटीशन को हमें कंट्रोल में लाना होगा। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन नंबर 1721 दिसंबर 1961 को पारित किया, और जिसमें ये जो ग्लोबल कॉमन की डेफिनेशन फाइनलाइज हुई, आउटर स्पेस ट्रीटी फाइनलाइज हुई 1967 में, जिसमें ये था कि भाई इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करते हुए आप आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करोगे, जिसमें ये नहीं कहोगे कि हाँ जी चांद हमारा है, ठीक है, मंगल हमारा है, ये नहीं कह सकते। फिर वहाँ पर आप जो भी आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करोगे वो कॉमन ह्यूमन या कॉमन मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए करोगे। आज देखा जाए तो बहुत हद तक डेमोक्रेटाइज मैनर में ही आउटर स्पेस को एक्सप्लोर किया जा पाया है। क्या मून पर ये कहा गया कि मून पर चंद्रयान 3 लॉन्च लैंड नहीं कर पाएगा, ऐसा किसी ने कहा नहीं। अब पाकिस्तान कल को ना अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो उसके लिए इंडिया थोड़ा ना बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, नहीं, पाकिस्तान का भी उतना ही हक है जितना इंडिया का है। तो इस तरीके से अभी तक लगभग 80 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आउटर स्पेस का यूज़ करते हैं, चाहे वो सेटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या वो खुद की डे टू डे लाइफ में, और 11 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है। ऐसे टोटल 11 स्पेस एजेंसीज ऐसी हैं जो कि एक्सप्लोर करती हैं एक्सटर्नल या फिर आउटर स्पेस को, जिनमें इसरो है ही एक हमारा। तो कुल मिलाकर के बोला जाए यहाँ पर राइटर के द्वारा कि जी ये सिचुएशन जो है, ये कंडीशन जो है, ये शो करती है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक मैनर में ओपन आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की बातचीत हो रखी है, और इसी के बेसिस पे काम होते रहते हैं जिससे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंट्रीज के बीच में। फिर आगे बात करें तो मून एग्रीमेंट जो कि 1979 का था वो अल्टीमेटली एनफोर्समेंट में आया 1984 में, ठीक है। अभी तक 18 ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने मून एग्रीमेंट को रेटिफाई कर रखा है। वैसे सऊदी अरब ने भी रेटिफिकेशन दे रखा था, पर जनवरी 2024 में सऊदी अरब इस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने मून एग्रीमेंट को रेटिफाई कर रखा है, और साथ में आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन कर रखा है। इसके अलावा फ्रांस और इंडिया की बात करें तो इन्होंने मून एग्रीमेंट को साइन तो कर रखा है बट अभी तक रेटिफिकेशन नहीं किया है, और वहीं पर आर्टेमिस अकॉर्ड की बात करें तो फ्रांस और इंडिया ने इन दोनों को, मतलब इन दोनों ने नासा के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन कर रखा है। तो कुल मिलाकर के एक तो इस आर्टिकल में जो भी फैक्चुअल बातें आई हैं ना, जो भी एक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, है ना,
वो आप जरूर याद रखोगे कि ग्लोबल कॉमन से रिलेटेड कौन कौन सा एक्सर हो सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाए और आपको वैसे आंसर राइटिंग में तो हेल्प मिलेगी कि आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना या ग्लोबल कॉमन्स पे, जीएस पेपर वन में भी फंस सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ग्लोबल कॉमन की बात आए तो रिसोर्स इकोनॉमिक्स होती है या रिसोर्स ज्योग्राफी है, उसमें आप इस चीज़ को एसोसिएट कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो ये आर्टिकल शो क्या करता है कि ग्लोबल कॉमन्स को यूटिलाइज करने से संबंधित बहुत से एग्रीमेंट्स हो रखे हैं और उन एग्रीमेंट्स को इंडिया हमेशा से, अब कहते ना कि हमेशा फॉलो करता रहा है और यही चीज़ हम इंडिया से आगे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में देखा, स्पेस में बाकी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करते हुए इंडिया आगे चल रहा है। मल्टीलेटरल और बायलेटरल एंगेजमेंट्स इंडिया लगातार कर रहा है जिससे कि इंडिया खुद भी एक स्पेस पावर बन सके और इंडिया जब स्पेस पावर बने तो उसका बेनिफिट फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि G20 में इंडिया बोल रहा है कि भाई हम ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं, तो ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना उनको भी फिर उसका बेनिफिट मिल सके, पीसफुल मैनर में आउटर स्पेस का यूज़ हो, यही मेन ऑब्जेक्टिव है इन डिफरेंट एग्रीमेंट्स का, डिफरेंट ट्रीटीज़ का, जो कि इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है और वो चीज़ होनी भी चाहिए। तो एक तरीके से अलग ही तरीके से अप्रोच दी है राइटर ने कि भाई आउटर स्पेस को या फिर ग्लोबल कॉमन्स को एक्सेस करने के लिए क्या क्या एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, क्या अप्रोचेज हैं इनको समझने की, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज G20 फॉर वी द पीपल। आर्टिकल को लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने। देखो इस आर्टिकल में वैसे तो G20 से रिलेटेड पूरी बातें बताई हुई है, बट यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि G20 हमारा डिस्कशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इनका ये कहना है देखो कि अभी G20 को इंडिया होस्ट कर रहा है ना, तो इंडिया का टारगेट ये है कि GDP सेंट्रिक बातें ना हो, ह्यूमन सेंट्रिक बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा नहीं कि पैसा किसके पास है, पैसा कितना बना लिया, बोले G20 में सिर्फ इसी के ऊपर ज़्यादा बात होती है और G20 की रेलेवेंस भी मोर और लेस अभी तक इसी बात को लेकर के थी, पर जो डाइवर्सिफिकेशन इंडिया ने G20 की मीटिंग्स होस्ट करके डिसाइड किया है ना कि भाई G20 केवल इकोनॉमीज के लिए नहीं है, G20 मैनकाइंड के लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए है, तो ह्यूमन सेंट्रिक ओपिनियन जो है वो अब डेवलप हो रहा है, तभी तो ग्लोबल साउथ में अफ्रीकन यूनियन जो है उसको परमानेंट मेंबरशिप दिलाने की फाइनल बात हो चुकी है, ठीक है। कि G20 में अफ्रीकन यूनियन जो कि 50 के लगभग देशों का पूरा एक ग्रुप है, वो अब जब कहीं भी G20 की मीटिंग होगी वहाँ पर परमानेंटली बैठेगा, ठीक है। फिर आगे देखा जाए दूसरा पॉइंट कि वर्ल्ड जो है वो रेजिलियंस चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में। इसका मतलब ये हुआ चाइना पे इनडायरेक्ट ये अटैक हो गया कि भाई आज के टाइम पर चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल सप्लाई चेन में, बट वहीं पर अगर नज़र डाली जाए तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल दिखती है जब चाइना जैसे कंट्रीज यूनिलैटरली कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है, या फिर ये कहो कि बायलेटरल रिलेशन या फिर जियोपॉलिटिकली तो चाइना टेंशन्स क्रिएट करता है और इकोनॉमिकली वो अपने बेनिफिट्स की बात करता है, तो बोला इस चीज़ से कहीं ना कहीं दोगली बातें आती है। तो बोला एक ये चीज़ दिमाग में आ गई कि वर्ल्ड में सप्लाई चेन है वो रेजिलिएंट होनी चाहिए, जो रिलायबल कंट्रीज़ हैं उनको मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का, और तीसरा मल्टीलेटरलिज्म को बूस्ट करना जिसमें कलेक्टिव कॉल्स के ऊपर बात हो। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि G7 मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है नो डाउट, पर उसमें बात होती है केवल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की। बोले G20 जैसे ग्रुपिंग है ना वो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड ग्रुपिंग हो सकती है जिसमें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो, तब जाकर के प्रॉपर एक मल्टीलेटरल आइडिया बन पाएगा। तो कहने का मतलब ये तीन ऐसे आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर इंडिया ने सबको एक अटेंशन पे करने पे मजबूर किया है कि हाँ वाकई में G20 ऐसे भी काम कर सकता है, ठीक है। आपको ये बताई दिया ग्लोबल साउथ में अफ्रीका की जो बातें हैं उसको उठाई जा रही है, उनको पार्टनरशिप में या G20 में मेंबरशिप की बात है वो मैंने बताई दी कि G20 में अब अफ्रीकन यूनियन जो कि लगभग 50 देशों का एक ग्रुप है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने जो एफर्ट्स डाले हैं उसी का रिजल्ट है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को लेकर के इंडिया अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा है, ठीक है। चेन्नई में HLP जैसे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, HLP जो हैं हाई लेवल मीटिंग्स जो हुई हैं जिसमें रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी पे भी ध्यान दिया गया है, कैसे भी करके ओशन को हेल्थ कैसे ओशनिक हेल्दी मतलब ओशनिक लाइफ हेल्दी कैसे रखी जा सके, ओशंस को पॉल्यूशन से कैसे बचाया जाए। अगेन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ध्यान रखते हुए काम कर रहा है इंडिया। क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर है वो ओपन किए जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस पे बेस्ड या फिर हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड ठीक है सिस्टम है वो रन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 2015 में हमने सोलर अलायंस लॉन्च किया था फ्रांस के साथ मिलकर के, आज 100 से 125 से ज़्यादा देश हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर हैं। भाई ये जो नाम आ रहे हैं ना, जो भी यूनिक नेम आ रहे हैं, इनके बारे में आप ज़रूर एक बार पढ़ लोगे, एक्सप्लोर ज़रूर करना इन पॉइंट्स को। ऐसे तैयारी होती है धीरे धीरे, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसी के साथ में अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, वो भी लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी पे, दैट मींस ऐसी इकोनॉमी जिसमें आप कहोगे कि एक कहते ना कि फ्रेश रिसोर्स को एक्सप्लोर या एक्सप्लोइट करने की बजाय जो रिसोर्स ऑलरेडी एक्सप्लोइटेड है उन्हीं को रीयूज़ या रिसाइकिल किया जा सके, सर्कुलर इकोनॉमी। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लाइफ जैसे प्रोग्राम, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इंडिया इस तरफ से काम कर रहा है। मिलेट्स जो कि एडवर्स से एडवर्स क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको श्रीअन्न भी बोला है ठीक है, और जिसको न्यूट्रिशनल फूड भी बोला जाता है। तो बोला दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड सिक्योरिटी खतरे में है, तो उसको इंश्योर करने के लिए मिलेट सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। बोला इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इंडिया ने एफर्ट्स डाले और आज 2023 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे ऑब्जर्व हो रहा है। और फूड सिक्योरिटी को लेकर के डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स हैं, उनको लेकर के अशोक गुलाटी जी का रिसेंटली हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि जिन पर बातचीत हुई कैसे हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हुए। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सोसाइटीज़ को अपग्रेड करने में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इस तरीके से क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव मैनर में बढ़ावा दें। डिजिटल डिवाइड है उसको करेक्ट करें, जैसे कि गांव में रहने वाले लोगों के पास में इंटरनेट या टेक्नोलॉजी फैसिलिटी नहीं है तो उनको प्रोवाइड की जाए, शहरों में भी जो लोग गरीब हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है टेक्नोलॉजी की तो उनसे कनेक्टिविटी इंश्योर की जाए, तब जा कर के जो इनइक्वालिटीज़ हैं डिजिटल डिवाइड जैसी प्रॉब्लम्स उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं ठीक है। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार जैसे सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे सिस्टम, यूनिवर्सल जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है ठीक है, UPI सिस्टम, इनको हम जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है तो इससे बेनिफिट और ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कोई भी अछूता नहीं रह रहा है। जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी वैसे ही अपना मिरेकल काम कर रही है कि किस तरीके से लोगों को सिक्योर मैनर में उनकी जो भी सब्सिडी है उनका जो भी हक है वो उनको अपने अकाउंट में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एग्जांपल के तौर पे पुट की जा रही हैं G20 में कि इंडिया क्या चाहता है और इंडिया अभी कर क्या रहा है। तो मोटे मोटे यही पॉइंट्स थे इस आर्टिकल में, अब चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। नेक्स्ट आर्टिकल, बैड वेदर अहेड। देखो हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से डिजास्टर आई, 367 के लगभग लोगों की जाने गई, हो सकता है ज़्यादा हो, ये तो रिपोर्ट्स का कहना है। तो फिर वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सर्वे किया तो ये सारी चीज़ें निकल के आई है। अभी बेसिकली कंटेक्स्ट ये है यहाँ पर, अब देखो ये हिमाचल में जो डिजास्टर आई थी उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, वहाँ पर एक स्कॉलर काम करते हैं आर कृष्णन, जो कि IITM के एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, उनके द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया। उस पेपर की टाइटल है हाइड्रोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इश्यूज। मुद्दा यह है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है ना, मिटिगेट का मतलब क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने के लिए हमें एफर्ट्स डालने हैं, या फिर ये कहें कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर जिस लेवल पे है उस लेवल तक रोक दे, जिससे कि डिजास्टर लेवल एक्सटेंड ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस पेपर में इन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि हमें जो अर्बन डेवलपमेंट है ना उसको सस्टेनेबल बनाना होगा, क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश का इंसिडेंट हुआ इसमें मेन सेंटर था शिमला, वहाँ की कैपिटल। अब आप देखो यहाँ पर क्या स्टडीज़ हैं उनके द्वारा। देखो हमारे देश में जितना कुछ भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2050 तक डेवलप होना है ना, उसका अभी केवल 1/3 ही हो पाया है, सॉरी 1/4 ही हो पाया है, 3/4 होना तो अभी बाकी है। इसका मतलब काम अभी बहुत सारा बाकी है। तो
ये बोला सही अपॉर्चुनिटी है कि क्यों ना हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एम्यूनिटीज़ बनाएं। इसका मतलब हमारे शहरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जो कि क्लाइमेट चेंज को झेल सके, राइट। हमारे पास में ट्रांजिट और ओरिएंटेड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं। दैट मीन्स कैसे हम हमारी आज की परिस्थितियों से आने वाली परिस्थितियों की तरफ बढ़ सकते हैं, उसके लिए और साथ में क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करते हुए कैसे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर के हमारे पास में प्रोग्राम हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, इन प्रोग्राम्स के ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है कि कुछ मेट्रोज की हम बात करें, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जहाँ कहीं भी लोकेलिटी होगी, है ना, बड़ी लोकेलिटी होगी, वहाँ पर एक सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा और वहीं पर उनका एक तरीके से सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब भी बना दिया जाएगा। इससे लोग क्या करेंगे कि मेट्रो ट्रेन्स हो गई या फिर जो गवर्नमेंट की जो बसेस चलती हैं या सिटी बसेस चलती हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी उसी सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब से हो पाएगी, तो लोग प्राइवेट व्हीकल पे नहीं जाएंगे। तो ये जो प्लान है ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी तो रिड्यूस होगा ना। ये सीधी बात है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको प्रमोट करने के लिए आपके पास में डिफरेंट नेटवर्क्स डेवलप करने का प्रोग्राम है, तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो लोग जब मार्केट आने जाने के लिए अपने खुद के व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी तो कम होगा, इससे कितना बेनिफिट होगा। प्लस जो गरीब लोग शहरों में रहते हैं ना उनके बारे में इतना नहीं सोचा जाता है जब कभी भी कोई भी प्लान जो बनाया जाता है डेवलपमेंट का सिटीज़ में, तो बोला पुअर्स पर भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जल जीवन मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बोला इन सभी को कंबाइन अगर किया जाए ना तो हम कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्विटेबल मैनर में सिटीज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोल देंगे, जिसमें सोसाइटी में अर्बन पुअर्स और अर्बन रिच के बीच का जो गैप है वो भी कहीं ना कहीं बेसिक लेवल तक तो हम मिनिमाइज कर सकें। साथ में जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। देखो सीधी बात है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कौन करता है, सोसाइटी में लोगों तक गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के बेनिफिट कौन डिलीवर करवाता है, लोकल गवर्नमेंट्स। तो बोला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, इनके ऊपर लोकल गवर्नमेंट का रोल आ गया तो उनको साथ में लेना ज़रूरी है, एक सिनर्जेटिक मैनर में काम होना चाहिए। साथ में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिनको हम म्यूनसिपल बॉडीज़ भी बोल सकते हैं, उनका एफिशिएंटली काम करना ज़रूरी है। और बताया जा रहा है कि देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग काम अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा किया जाता है, इसकी वजह से उन एजेंसीज की जब कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। जैसे शिमला की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे कि ड्रेनेज फैसिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप करा रखी है और उसको मेंटेन करने की जो काम है वो म्यूनसिपल काउंसिल को दे रखी है, म्यूनसिपैलिटी को दे रखी है वहाँ शिमला में। तो अब आप देखो बनाने का काम कोई और कर रहा है और मेंटेनेंस का काम कोई और कर रहा है, अब आप बताओ कि किसको ब्लेम करोगे। अब आप बोलोगे कि भाई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ, आप ब्लेम करोगे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी भाई बनाया हुआ है मेंटेन नहीं कर रही है म्यूनसिपैलिटी। तो इस तरीके से ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है कि जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है ना वो क्लाइमेट रेजिलियंस को ध्यान रखते हुए हो और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या होता है केवल एक दूसरे को टोपी पहनाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे कि हमारी गलती नहीं उसकी गलती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो लगातार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनको रोकना बहुत मुश्किल है, तो इनके साथ जीने के लिए हमें व्यवस्था भी तैयार करनी है जिसको अडेप्टेशन बोलते हैं, और मिटिगेशन के लिए व्यवस्था तो करनी है ही, ठीक है। तो ये एक तरीके से अपनी तरफ से इस पेपर में इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कभी लिखना हो तो आप ये फॉर्डर मटेरियल की तरह काम में ले सकते हो, ठीक है। बाकी एक आर्टिकल है G20 से रिलेटेड, बोले G20 में जी ही मिसिंग है, क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। एक बार आर्टिकल को लिखा है संजय बारूद जी ने, लेस जी इन G20। इनका साफ साफ एक कहना है, बोला हमारे दो पड़ोसी, एक पाकिस्तान और एक चाइना,
दोनों के साथ में डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। तो बोले इसका एक तरीका है कि बैक चैनल टॉक्स का मतलब यहाँ पे डिप्लोमेट्स लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं पीपल टू पीपल टाइज हमें मेंटेन रखवाने की ज़रूरत है। बट पीपल टू पीपल टाइज को ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है मेंटेन रखना, ना ही चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है। बोला मीडिया हाउसेज के बीच में पहले एक्सचेंज हुआ करता था बातचीत का, वो भी टूटा हुआ है। कहने का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इंटरेक्शन है वो तो ख़राब चल ही रहा है, पर उसके अलावा जो G2G मतलब P2P जो कनेक्शन हो सकता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बोलो वो बहुत हद तक वो भी टूटा हुआ है। G2G भी टूटा हुआ है, P2P भी टूटा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप कल को ना अगर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करोगे तो सुधर नहीं पाएंगे। बोले सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ चल रही है, G2G भी नहीं है और P2P भी नहीं है। तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये रिलेशंस हमें ठीक करके चलने चाहिए। कल को ना हमें हमारे रिश्तों को इम्प्रूव करना हो तो कहीं ना कहीं से तो हमें सिल्वर लाइन्स ढूंढनी पड़ेगी ना। तो वो सिल्वर लाइन्स बोला पब्लिक टू पब्लिक या पीपल टू पीपल कनेक्ट से हमें मिल सकती है। बट अभी जिस तरीके का डिसकनेक्ट चल रहा है उससे हम एक तरीके से यही मान के चले कि इंडिया अपने दोनों पड़ोसियों से रिश्ते मोर और लेस ख़त्म करके चल रहा है। अब इसी का नतीजा ये है कि भाई उधर से शी जिनपिंग है वो भी नहीं आ रहे। पर यहाँ पर राइटर एक चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शी जिनपिंग का नहीं आना भी ये चीज़ शो करता है कि चाइना की तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है इंडिया से रिश्ते बिगाड़ने में, है कि नहीं। अब चाइना की तरफ से शी जिनपिंग की विजिट क्यों नहीं हो रही, कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि भाई चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरे हाल से, खस्ता हाल से गुजर रही है, शी जिनपिंग जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स को सेटल करने में पागल हो रहा है वहाँ पे, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। बट वहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा देखा जाए तो जैसे जैसे चाइना की और USA की राइवलरी बढ़ी है तो बोले वहाँ पर एक चीज़ बड़ी काम की देखने वाली है कि चाइना और USA के लोगों के बीच का जो टाई है ना वो नहीं टूटा। पीपल टू पीपल टाई बिटवीन चाइनीज एंड अमेरिकन्स ये अच्छा खासा मेंटेन्ड है, जबकि हमारा रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात भी अगर हम करें तो। साथ में USA के साथ में हमारे रिश्ते आज देखो किस तरीके से सोसाइटी लेवल पर भी अच्छे चल रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अच्छे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बोले पीपल टू पीपल टाइज को हमें मेंटेन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रही है, ठीक है। और तो बाकी कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में, डिस्कशन इतना ही है। इस पर आप एक बार थोड़ा सा खुद नज़र मार लेना, मारना चाहो तो, ठीक है। एक्सप्लेन पेज का नाम आ गया। आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको 24 आवर्स के लिए PDF मिलती है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। और बाकी जो लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उनको तहे दिन से बहुत बहुत धन्यवाद, एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।